तहरीक इंसाफ के अंदर अगर बात की जाए तो शेर अफजल मरवत साहब हैं जी उनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चल रही है और मरवत साहब को आधे लोग गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं आधे लोग उनके खिलाफ कैंपेन ओवरसीज से भी कर रहे हैं अंदर से चले, चले मैं दो चार सवाल आपसे आप 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 पूछता अफ्जुल मरवत के बारे में मैं दो चार सवाल आपसे पूछता हूँ देखिए मैं अपने आप से भी ये पूछ रहा था कि ये क्या है शेर अफजल मरवत एक्चुअली क्या है और ये सब क्या चल रहा है आपको लगता है शेर अफजल मरवत जो है वो एक नॉर्मल आदमी है नहीं नॉर्मल नहीं है वो एक दीवाना आदमी है ऐसे ही मैं आपको उसकी मिसाल भी दूंगा अभी शेर अफजल मरवत को मैंने पहली दफा तब देखना शुरू किया जब मेरी हालत बहुत खराब थी मैं वापस आया था एक दिन मैंने देखा टॉक शो में इसने किसी बंदे के ऊपर अटैक कर दिया मारना शुरू कर दिया हाँ जी कौन है किसी टॉक शो में आपने ये देखा मारकुटा इस तरह होते हुए नहीं नहीं देखी ना आदमी मुख्तलि अब वो सही है गलत है ये मैं नहीं कह रहा लेकिन वो नॉर्मल नहीं है दीवाना आदमी है जिस वक्त सारी की सारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्या मजबूर थी छुप जाने पर खतरा महसूस कर रहे थे लोग एक पूरी वेव बनाने में कामयाब हो गया और इमरान खान ने उसको सपोर्ट किया था उस वक्त देखे था तो वो इमरान खान की सपोर्ट से लेकिन वो रिस्क ले रहा था कंटिन्यूसली वो कराची में गया जो हालात हुए पंजाब में आया पंजाब की क्या ऐसा लगा उसको घास ही नहीं डाली और यहां पे उसकी दाल नहीं गलने दी गई उसको आरी नहीं दिया गया यहां से उसको वापस जाना पड़ा लेकिन केपी में उसने एक ऐसी वेव चलाई जो वेव बाकी सूबों में ट्रांसफर हुई वक्त के साथ साथ यानी पाकिस्तान तरीके के जो सबसे तगड़े विजुअल है पिछले छह महीने के वो सारे के सारे शेर अफजल मरबत के साथ जाके मिलते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अगर तरीके में तगड़े विजुअल है तो वो शेर अफजल के और उसके बाद अली गंडापुर के के वापस आने बाद के और तो कुछ नहीं है तरीके पल्ले और कुछ नहीं है अब ये एक आदमी डिफरेंट आदमी है ना मामला ये है कि शेर अफजल मरवत ने क्या अपना रोल प्ले किया या नहीं किया उस सारे में मैं आपसे पूछता हूं किया। अब, किया। अब वो नॉर्मल आदमी नहीं है भाई वो अपनी तबीयत को कैसे बदल ले अब जब सारा कुछ हो गया है लड़ाई खत्म होने के बाद या एक नए फेज में दाखिल होने के बाद आप यह सोचते हैं कि शेर अफजल मरवत भी उसी तरह रिएक्ट करे चीजों के ऊपर जैसे हम अदर करते हैं तो वो नहीं कर सकता ना दोनों लोग अलग अलग हैं हमाद अजर नॉर्मल आदमी है भाई उसको पता मैंने गिरफ्तार नहीं होना वो आपको नजर ही नहीं आया पिछले कहीं कही ना पंजाब का प्रेसिडेंट है आपको। नहीं। वो एक ट्वीट करता है वो खुद जाता है वहां खड़ा हो जाता है सबसे पहले कारगुओं को भी ले जाता है डंडी भी खाता है लड़ाई भी होती है जो भी होता है वो मुकाबला करता है हाँ, मामला यह है कि अगर मैदान के अंदर शेर अफल मरवत जो है वो मुख्तफ आदमी था एबनॉर्मल हालात में उसने अपनी Uh, सलाहियतों से एक अबनॉर्मल किस्म की सिचुएशन में उसने सर्वाइव किया अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए भाई वो कभी किसी से लड़ेगा कभी किसी को उल्टी बात करेगा कभी किसी बात का गलत जवाब दे देगा कभी किसी बात के ऊपर किसी के गले पड़ जाएगा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो लड़ाई उसने लड़ी है ये नॉर्मल आदमी लड़ी नहीं सकता जो काम उसने किया ये नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता और अगर आप उसको नॉर्मल आदमी बनाना चाहते हैं तो फिर वो काम उससे नहीं लेना था जो उसने किया है तो मेरा ये मानना है कि मैं उसको आज तक मेरी जिंदगी में उससे मुलाकात नहीं हुई शेर अफजल अफजलमरवत्ते लेकिन मैं दलील आदमी की इज्जत करता हूँ वो दिलेर आदमी है मैं उसकी इज्जत करता हूँ वो नॉर्मल आदमी होता ना तो वो ये सारा कुछ ना करता जो उसने किया है क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है तो उससे आप नॉर्मल आदमी जैसे रिएक्शंस की तो ना करें शेर अफजल मरवत ने बहुत से बाहर बैठे लोगों को भी डिसऑन करवाया आपको पता है आपके इलमे में है ये बात देखिए वो उसका एक मौकफ़ है और मेरे ख्याल में वो ठीक है बाहर बैठ के ना बहुत सारी चीजें करना आसान होता है यहाँ पाकिस्तान में रह के उसकी कीमत होती है जो आपको चुकानी पड़ती है मैं आपके सामने बैठा बैठाऊँ ना बाहर बैठ के किसी को इंस्टिगेट करना या लोगों को कहना ये कर दो, वो कर दो 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 वो वो उसको मारो उस चढ़ जाओ जाओ उसका यूं करो घुस तोड़ तो आपके ख्याल में लोग से बाहर मेरी ख्वाहिश है कि वही आजादी और इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के अंदर इनशाला करेंगे इनशाला करेंगे रूल ऑफ लॉ होगा इस मुल्क के अंदर इनशा लेकिन अगर कोई शख्स बाहर बैठ के यहाँ मैदान में खड़े हुए आदमी से ये तो करे कि वो उसकी तरह का जुमला बोले या उसकी तरह की बात करे तो जहां उसकी जो कीमत होती है वो अंदाजा भी नहीं कर सकता और इसी कीमत को चुकाने के डर से वो ये मुल्क से बाहर गया तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए शेर अफजल मरवत उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल की तो उससे कुछ लोग कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के लेकिन जिस लेवल पे वो खड़ा हुआ है ना मैं गारंटी करता हूं वो बाहर से आके उस लेवल पे नहीं खड़े हो सकते पाकिस्तान के अंदर